देखिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बिजली का कनेक्शन है और आपका बिजली वो काफ़ी ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन भारत सरकार की तरफ से रूफटॉप सोलर योजना चलाई जाती है, जिसमें क्या आता है कि जो विद्युत कंपनियाँ होती हैं आपके घर पर आपके छत पर सोलर प्लांट लगाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें जो सोलर प्लांट है वो 3 किलोवाट तक का आपको मिल जाता है। अगर आप 1 किलोवाट तक का लगाते हैं तो देखिए इसमें आपको 14,588 रुपया सब्सिडी मिल जाती है, यानी पर किलोवाट पे आपको 14,588 रुपया सब्सिडी मिलती है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने किलोवाट का यहाँ पर सोलर पैनल लगवाएंगे। तो देखिए आपको इस स्कीम का फायदा लेना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आप बढ़ा दी गई, इस योजना की डेट है वो बढ़ा दी गई 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर की इस वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे चलाया जा रहा है, सब्सिडी प्रोग्राम है और यहाँ पर आपको आ जाना है। जैसे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने वाला है, एक लॉगिन का, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर लॉगिन करना है, नहीं आप फ्रेश हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हेयर वाली बटन है आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। वैसे ही आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ चुकेगा। ये 2 स्टेप में है, तीसरे स्टेप में आपका फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ बिजली प्रोवाइड कंपनी का नाम चूज करना है, कौन सी बिजली प्रोवाइड कराती है, पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है, जो भी है आप अपने हिसाब से चूज कर लें। तो मेरी दक्षिणांचल है, मैं दक्षिणांचल चूज कर लेंगे यहाँ पर। और जो देखिए आपको कस्टमर जो 12 अंकों का आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, जो बिजली बिल का अकाउंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल के नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे OTP आपके मोबाइल पर जाएगा, वो यहाँ पर आपको डाल के ईमेल आईडी डाल के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर 24 घंटे तक कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे से पहले आपको एक्टिविटीज पर करनी है। तो देखिए अब आपके स्टेप पर लॉगिन वाली स्टेप पर क्लिक करनी है। तो देखिए आपकी एक ईमेल आईडी जो आपने डाली थी उस पर आपका लिंक गया होगा, आपको उस पर क्लिक करनी है। देखिए आपके मेल पर एक रेफरेंस स्लिप भेज दी जाएगी। तो देखिए आपको अपना मेल आईडी ओपन करना है, इस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो लॉगिन है आपका, देखिए जो बिजली का जो अकाउंट नंबर होता है, बिजली बिल कंज्यूमर अकाउंट नंबर होता है वो डालना है, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है वो डालना है, जो OTP जाएगा वही आपका पासवर्ड होगा वो डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो देखिए हम डायरेक्ट अब लॉगिन करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए वापस आपको इसी होम पेज पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लॉगिन हेयर लिखा है आपको इसी पर क्लिक कर प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेक्शन लोड इन किलोवाट, यानी कि जो आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं कितने किलोवाट का लगाना चाहते हैं। देखिए मैक्सिमम आप 3 किलोवाट तक का लगा सकते हैं। तो देखिए हम 1 किलोवाट का लगाएंगे तो हम यहाँ पर 1 KV यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ कनेक्शन आपका कैसा, सिंगल फेज है 3 फेज है। तो देखिए मेरा सिंगल फेज का है तो हम यहाँ पर सिंगल फेज चूज करेंगे। तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कनेक्शन टाइप अगर आपका घरेलू कनेक्शन है तो सिंगल फेज का ही होगा, अगर आपका कमर्शियल है तो 3 फेज का होगा। तो देखिए मैं घरेलू है तो हम 1 फेज चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया सोलर रूफ टॉप डिटेल। अब देखिए आपको सोलर रूफ टॉप की डिटेल देनी है, यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी। तो कैटेगरी आपका कैसा, रेजिडेंशियल है या फिर आपका रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है। तो देखिए मेरा रेजिडेंशियल है, हम अपना रेजिडेंशियल यहाँ से चूज करेंगे। अब देखिए आपको कितने किलोवाट तक की सब्सिडी चाहिए, तो मुझे देखिए 1 किलोवाट का चाहिए तो हम 1 किलोवाट की सब्सिडी मुझे चाहिए। अगर देखिए कमर्शियल है तो आप 10 किलोवाट तक का ले सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल है यानी कि घरेलू है तो आप यहाँ पर 3 किलोवाट तक का ले सकते हैं। तो देखिए मैं 1 किलोवाट का लेंगे तो हम 1 किलोवाट डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगा कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ एनी एग्जिटिंग, अगर आपका पहले से कोई सोलर प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर आप उसे कम है तो आप यहाँ पर बढ़ाने की सोचे हैं तो देखिए आपको इस डिटेल देनी है, अन्यथा आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रपोज टाइप ऑफ सोलर कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे सिंगल फेज का है तो हम सिंगल फेज चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑनर की डिटेल देनी है, किसके नाम कनेक्शन आप ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ नाम डालना है, कैटेगरी ऑफ अप्लीकेंट तो यहाँ पे चूज करना है, SC OBC जो भी है यहाँ पे चूज करना है, और यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है, और पिन नंबर क्या वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ पे चूज करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आए आप यहाँ पे चूज कर लें, लैटिट्यूड क्या है, लैंगिट्यूड क्या है वो एटीट्यूड और लैंगिट्यूड। तो देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने यहाँ एरिया का देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना, अब यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे टाइप कर देना है। तो देखिए जैसे इतना टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया तो आपको इसी पर टिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट है आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपको कहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए उस एरिया का यहाँ पर नाम डाल लेना और फाइंड कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इसे कॉपी करके आपको यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है अब देखिए आपको स्टेप नंबर 2 पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपना क्या बिजली का बिल आपको 6 मंथ पुराना आपको यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि आप 6 मंथ तक का पुराना बिल लगा सकते हैं।
अगर देखिए आपको बिजली विभाग से ले रहे कोई और आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका फाइल का नाम क्या है वो डाल के यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना आपको आधार कार्ड फाइल नहीं अपलोड करनी है, अगर है तो डालना, नहीं तो आपको छोड़ देना। आपको हमारा जो फाइनल सबमिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारी देखिए यहाँ पर फेसिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस पे यहाँ पे देखिए पेंडिंग में वेटिंग शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए फेसिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस है। अब आपको अपने बिजली विभाग से संपर्क करना होगा, जो बिजली आपको अप्रूव कराती है, जैसे मान लो दक्षिणांचल विद्युत या पूर्वांचल है, जो भी है आप अपने बिजली घर से संपर्क करें। जैसे वहाँ से अप्रूव हो जाएगा उसके बाद सबमिट फॉर डिटेल पर पहुँच जाएगा। इस तरह से आपका देखिए ये स्टेटस है इस तरह से शो हो जाएगा, लास्ट में आपका सबमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, और आपको यहाँ पर टाइम पे देखते रहना, लॉगिन करके आपको अपने स्टेटस चेक करते रहना कि हमारा कहाँ तक पहुँच गया। जब तक आपका फाइनल सबमिट यहाँ पे नहीं हो जाएगा तब तक आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर वीडियो करें, सब्सक्राइब कर लें, योजना रिलेटेड या फिर कोई अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो